नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर के सभी ग्रेजुएट फॉर्म नंबर 18 भर के पंजीकरण करने का आग्रह पूर्व एमएलसी अमरनाथ पाटिल ने किया। बीदर में आज रानी की तूर चन्नम्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। सिद्धू ने गुटिये झगड़े की बातों को खारिज किया, पुष्टि की मैं 5 साल तक सीएम बना रहूंगा। कर्नाटक सरकार जाति जनगणना को स्वीकार करने की तैयारी में, बीजेपी ने दिल्ली में राज्य बीसी नेताओं से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में छोटे उद्योगों की सराहना की। राज्यसभा की सभापति से बिना शर्त माफी मांग ले राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव। महाराष्ट्र में रायगढ़ में एक हेल्थ केयर कंपनी में हुआ भीषण विस्फोट, 4 की हुई मौत, कई घायल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व एमएलसी अमरनाथ पाटिल उत्तर पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, उन्होंने आज बीदर के पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त ने एक एनरोलमेंट कार्यक्रम 30 सितंबर से शुरू किया है जो नवंबर को खत्म होगा। पाटिल ने कहा कि क्षेत्र में एनरोलमेंट का काम धीमा चल रहा है। उन्होंने सभी ग्रेजुएट से फॉर्म नंबर 18 भर के पंजीकरण करने की अपील की। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। इवत्तु निम्मेल आशीर्वाद पट्टी बरदिंतु ननगत सीधा एम एल सी शक्ति क्षेत्र पदवीधरिगे निमेलिए ही यदे जवाबारी को पक्ष इवत निर्वहणे हुम्मस्सु आ हुरुपु कूड़ा श्रद्धेन अनुभव कूड़ा नन अवंतमातन सदर्भली बयसते। आज यहाँ बीदर पत्रिका भवन में मैं एक विशेषकर पत्रिका गोष्ठी प्रेस मीट के लिए आया हूँ। मैं अमरनाथ पाटिल एक्स एमएलसी, मैं नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैं आज मेरा विशेष अभियान है यहाँ क्या, क्योंकि मेरा भी जिम्मेदारी बनता है करके मैं आज यहाँ पर आया हूँ। ये 2024 को नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से विधान परिषद को यानी काउंसिल को ये इलेक्शन होने जा रहा है, उस सिलसिले में यहाँ के एलिजिबल ग्रेजुएट फॉर्म नंबर 18 भर के इसको एनरोल करने का एक अभियान इलेक्शन कमीशन ने लिया है। ये इलेक्शन कमीशन का अभियान सितंबर 30 से शुरू होके आने वाले 6 नवंबर तक चलने वाला है। इस सिलसिले में अब एनरोलमेंट का काम बहुत थोड़ा धीमे से चल रहा है, इसलिए बीदर शहर एवं बसवा नगर विकास समिति, बसवा समिति हल्दखेरी और विद्यानगर विकास समिति के संयुक्त आश्रय में रानी की तूर चन्नम्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। आज शहर के बसवा नगर के बसवा मंदिर से एक जुलूस आदि निकाला गया जो शहर चन्नम्मा सर्किल पहुंचा, जहां एक मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शिवलीला मठपति ने रानी की तूर चन्नम्मा विस्तार को बताया। इस मौके पर नेता जलादे, पार्षद शेषी, हुसलल्ली सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। आज बसवानगर विकास समिति बीदर और बसवा समिति हरिगेरी और विद्यानगर विकास समिति के आश्रय में कित्तूरानी चन्नम्मा जयंती बहुत धूमधाम से मनाया गया। सुबह 8:30 बजे बसवानगर के बसवेश्वर टेम्पल से निकला बड़ा भारी प्रोसेशन या चन्नम्मा सर्कल को आए। इस चन्नम्मा सर्कल में वेदिकी कार्यक्रम के इस उद्घाटक श्रीमती शिवलीला मठपति ने चन्नम्मा के बारे में, उसका जीवन के घटना के बारे में बहुत उत्कर्ष उपन्यास किए और हमारे समिति के सभी पदाधिकारी, तीनों पटवानी के लोग उपस्थित थे, बच्चे और शिक्षक, अनेक सज्जन लोग उपस्थित थे। हर साल हम 23 अक्टूबर को चन्नम्मा जयंती मनाते हैं। दशहरा के ईद रहने से दशहरा के इस महोत्सव के कारण नवंबर 3 तारीख को हम कित्तूरानी चन्नम्मा जयंती बहुत बढ़िया पैमाने पर मना रहे। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा सरकार में सत्ता साझा करने पर मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वो 5 साल तक सरकार का नेतृत्व करेंगे।
ये बयान मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के गुटों से जुड़े मंत्रियों और विधायकों द्वारा बार बार दावा किए जाने के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि उनके नेता जल्द ही सरकार का नेतृत्व करेंगे। पार्टी आलाकमान के दृढ़ समर्थन से उत्साहित सिद्धरामैया ने कहा कि वर्तमान में मैं सीएम हूं और 5 साल तक सीएम बना रहूंगा। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कि नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता, इस संबंध में बीजेपी अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा राज्य की जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश दिया है और उसकी सरकार 5 साल तक स्थिर रहेगी। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने नई दिल्ली में कर्नाटक पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं के एस ईश्वरप्पा, कोटा श्रीनिवास पुजारी और पीसी मोहन, जो पिछड़े वर्ग समुदायों से आते हैं, के साथ बैठक की। पिछड़े कुरुबा समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी सरकार जल्द ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट को स्वीकार करेगी, जिसे पिछली सरकारों ने स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की थी। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन वीएल संतोष ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य के नेताओं के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक बैठक की। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव पर जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के नतीजों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में बोलते हुए देश के सामाजिक आर्थिक विकास में छोटे उद्योगों द्वारा किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वे बड़े उद्योगों की तुलना में समाज में धन का अधिक फैलाव सुनिश्चित करते हैं। किए गए निवेश की तुलना में छोटे उद्योग बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। वे समाज में धन का अधिक समान फैलाव भी सुनिश्चित करते हैं। कई एमएसएमई निर्यात में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारी उद्योग भी देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन छोटे उद्योगों को नजरअंदाज करके देश पूरी तरह से प्रगति नहीं कर सकता है। ये शो लघु उद्योग भारती और आईएमएस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा समर्थित है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से प्रवर समिति मामले में अपने निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि राघव चड्ढा को बीते 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। इस मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा। राघव चड्ढा निलंबन मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सांसद को इस मामले पर बिना शर्त माफी मांगने के लिए राज्यसभा के सभापति से मिलने के लिए कहा है। सीजेआई ने उम्मीद जताई है कि सभापति इस पूरे मामले पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएंगे और इस संबंध में आगे कदम उठाएंगे। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमनी से दिवाली की छुट्टियों के बाद मामले में आगे के घटनाक्रम से अवगत कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चड्ढा के वकील के बयान को भी दर्ज किया है कि सांसद का इरादा इस सदन की गरिमा को प्रभावित करने का नहीं है जिसके वो सदस्य हैं। वकील ने कहा कि राघव चड्ढा राज्यसभा के सभापति से मिलने का समय मांगेंगे ताकि वो बिना शर्त माफी मांग सके। इस पर कोर्ट ने कहा कि सदन के तथ्यों और परिस्थितियों को देखकर सभापति माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं।
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आज एक बड़ा धमाका हो गया। यह धमाका महाड़ एमआईडीसी की ब्लू जेट हेल्थ केयर कंपनी में आज सुबह हुआ। इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। धमाका इतना तेज था कि आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के रहने वाले और कंपनी के मजदूरों में भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल रायगढ़ जिले के महाड़ एमआईडीसी की ब्लू जेट हेल्थ केयर कंपनी में एक धमाका हो गया। धमाका इतना भयानक था कि 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। वहीं 15 से 16 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कंपनी में अभी भी गैस लीक हो रही है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस दौरान कोई अन्य घायल न हो, इसके लिए पुलिस ने किसी को भी आगे जाने के लिए मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह के समय में कंपनी में 250 से 300 मजदूर काम कर रहे थे। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड की 5 से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और अगल बगल की सभी कंपनी में काम करने वाले लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने सभी को वहां से हटा दिया। अभी भी आग और गैस लीक को रोकने का काम तेजी से चल रहा है। पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भेज दिया और वहां सभी का इलाज चल रहा है। जानकारी दे दें कि इस ब्लू जेट हेल्थ केयर कंपनी में दवाई का रॉ मटेरियल तैयार किया जाता था। राजस्थान में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा है। राज्य के सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर से सत्ता बरकरार रखने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को भी जीत का पूरा विश्वास है। चुनावी तैयारियों के बीच सभी नेता एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। ऐसे समय में अशोक गहलोत ने बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को एक बड़ी चुनौती दे दी। क्या बोले गहलोत, चले आपको वो बताते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव से कुछ ही दिनों पहले राज्य के पूर्व सीएम और भाजपा के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को चुनौती दी है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राजस्थान चुनाव 2023 का मुख्य मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी द्वारा दी जा रही 7 गारंटियां। विपक्षी दल की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी को मैं चुनौती देता हूं कि मेरे साथ कांग्रेस की 7 गारंटी पर एक बहस करें। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता के लिए 7 गारंटी लॉन्च की थी। इन गारंटियों में महिलाओं को सालाना 10,000 रूपये 2 रूपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी, 500 रूपये में गैस सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम, बीमा और छात्रों के लिए भी कई बड़े वादों का ऐलान किया गया था। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में शामिल होने वाले प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी भर दिया है। वहीं अब नामांकन पत्र दाखिल करने का समय भी निकल चुका है। इन सबके बावजूद राजनीतिक दल परेशान है। राजनीतिक दलों की परेशानी का एक सबसे बड़ा कारण मतदाताओं की चुप्पी बनी हुई है। दल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में जनता किसकी तरफ झुकाव कर रही है। वैसे तो मध्य प्रदेश में कई राजनीतिक हैं जो विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के बीच ही कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं इस टक्कर के बीच इन दलों के कई नेता ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इनमें से कुछ को पार्टियों ने मना लिया है तो कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी भी 15 से ज्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बागी नेता मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अपने अपने बागी नेताओं की मान मनोबल में जुटे हुए हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले विभिन्न पार्टियों के नेता अचानक तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की तारीफों के पुल बांधने में जुट गए हैं। भारत राष्ट्र समिति के नेता बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने नायडू की गिरफ्तारी की निंदा की थी, तो कांग्रेस नेता उनकी रिहाई की खुशी में शामिल होने की बातें करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कल तक नायडू से दो हाथ करने वाले नेता आज उनके इतने बड़े फैन कैसे बन गए। तो चलिए अब आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां नायडू की प्रशंसा करके पार्टी से सहानुभूति रखने वालों को लुभाने का प्रयास कर रही है। कौशल विकास निगम से धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित मामले में नायडू हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। नायडू 53 दिन जेल में बिताने के बाद 31 अक्टूबर को राजा महेंद्रवरम केंद्रीय जेल से बाहर आए। आरोप है कि इस घोटाले से राजकोष को 300 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। चलिए एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। पाकिस्तान में लगातार विस्फोट की खबरें आम हैं। एक बार फिर पाकिस्तान में पुलिस के गश्ती दल को निशाना बनाकर भीषण ब्लास्ट किया गया। इस ब्लास्ट में कई लोगों की मौत की खबर है। वहीं 21 लोग बम ब्लास्ट की चपेट में आकर हताहत हो गए। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये जानकारी अधिकारियों ने दी। पाकिस्तान अखबार डॉन के अनुसार ये घटना डेरा इस्माइल खान शहर में हुई। पुलिस ने बताया कि पोंडा बाजार इलाके में एक मोटरसाइकिल पर लगाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से एक गश्ती वैन को निशाना बनाया गया। समाचार एजेंसी शिनहुआ की रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद बचाव दल के साथ पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी इलाके में पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। हाल ही में गोलीबारी से भी पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों ने जगह की घेराबंदी कर दी और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। किसी भी समूह या व्यक्ति ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली। शुक्रवार की घटना डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस शिविर पर अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत के कुछ ही दिन बाद हुई। उसी दिन खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में एक आईईडी विस्फोट में 2 सैनिक मारे गए। ईरान नशा मुक्ति केंद्र में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। प्रारंभिक सूचना के तौर पर यह आग उत्तरी ईरान में नशा मुक्ति केंद्र में लगी। दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है, तो वहीं जब तक ये गाड़ियां पहुंच पाती तब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी थी और 17 अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। मौतों की संख्या अभी और अधिक बढ़ने की आशंका है। राज्य मीडिया ने बताया कि शुक्रवार को उत्तरी ईरान में एक ड्रग पुनर्वास केंद्र में आग लग गई, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। वहीं 17 घायलों को राजधानी तेहरान से लगभग 200 किलोमीटर 125 मील उत्तर पश्चिम में लैंगरोड शहर के अस्पतालों में ले जाया गया। इसमें कहा गया है कि आग शुक्रवार सुबह निजी पुनर्वास केंद्र में लगी। अंधेरे आकाश में आग की लपटें और धुआं निकलने का एक वीडियो भी सामने आया। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, टाइगर 3 प्रोमो में सलमान खान का तहलका। अब समाचार खेल जगत से है। भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से सामना। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार। एयर इंडिया अपने बेड़े में 30 नए विमान करेगी शामिल, 4 नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए शुरू करेगी फ्लाइट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर के सभी ग्रेजुएट फॉर्म नंबर 18 भर के पंजीकरण करने का आग्रह पूर्व एमएलसी अमरनाथ पाटिल ने किया। बीदर में आज रानी की तूर चन्नम्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। सिद्धू ने गुटिये झगड़े की बातों को खारिज किया, पुष्टि की मैं 5 साल तक सीएम बना रहूंगा। कर्नाटक सरकार जाति जनगणना को स्वीकार करने की तैयारी में, बीजेपी ने दिल्ली में राज्य बीसी नेताओं से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में छोटे उद्योगों की सराहना की। राज्यसभा के सभापति से बिना शर्त माफी मांग ले राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव। महाराष्ट्र में रायगढ़ में एक हेल्थ केयर कंपनी में हुआ भीषण विस्फोट, 4 की हुई मौत, कई घायल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।